हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। आईपीएल के 13वें सीजन के मुख्य प्रायोजक चीनी कंपनी वीवो के हटने के बाद बीसीसीआई नए स्पॉन्सर की खोज में है। अब एक बड़ी खबर आ रही है, पता चला है कि योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगा सकती है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, आज इसी पर हम पूरी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये वीडियो आगे बढ़े, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। आईपीएल 2020 को लेकर जहां एक और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, वहीं साल की स्पॉन्सरशिप को लेकर अब तेजी से खबरें सामने आने लगी हैं। बताया जा रहा है कि योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि भी अब आईपीएल की स्पॉन्सरशिप की दौड़ में शामिल हो गई है। कंपनी की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। आईपीएल 2020 इस बार 19 सितंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगा, यानी अब आईपीएल को शुरू होने में करीब 40 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में आईपीएल फ्रेंचाइजीज और बीसीसीआई की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं खिलाड़ी भी अपनी फिटनेस को ठीक करने में जुटे हुए हैं। आईपीएल 13 की तारीखों के ऐलान के बाद ही जहां एक और क्रिकेट फैंस खुश हैं, वहीं बीसीसीआई के लिए एक बड़ी मुश्किल थी। सालाना करीब 440 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप देने वाली चीन की मोबाइल कंपनी वीवो इस टूर्नामेंट से हट गई। इसके बाद से ही लगातार ये सवाल किया जा रहा था कि अब कौन सी कंपनी आएगी और वो कितने पैसे देगी। अब बड़ी खबर यही है कि बाबा रामदेव की नजर भी आईपीएल पर आकर टिक गई। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पता चला है कि कई बड़ी कंपनियों के अलावा योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि भी अब आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप में शामिल होने जा रही है। इकोनॉमिक टाइम से बात करते हुए पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने कहा कि हम इस साल के आईपीएल की स्पॉन्सरशिप के बारे में विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पतंजलि को एक वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए बीसीसीआई को इसका प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस बीच बाजार के जानकारों का मानना है कि पतंजलि एक ग्लोबल ब्रांड नहीं है। अगर वो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनता है उसे जरूर फायदा होगा, लेकिन आईपीएल को इसका फायदा नहीं होगा। हालांकि ये भी समझना आसान नहीं है कि बीसीसीआई के लिए इस पूरी डील को करना आसान नहीं होने वाला। लेकिन चलिए अब आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि वीवो आखिर आईपीएल से अलग क्यों हुई। भारत चीन सीमा विवाद के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार की उठती मांग के बीच वीवो ने पिछले हफ्ते बीसीसीआई के साथ करार खत्म करने का फैसला किया था। वीवो इंडिया ने 2017 में आईपीएल टाइटल प्रायोजन अधिकार 2199 करोड़ रुपए में खरीदे थे। करार के मुताबिक कंपनी को हर सीजन में बीसीसीआई को करीब 440 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। बीसीसीआई अब जल्द ही आईटीबी निकालने वाली है। स्पॉन्सर चुनने के लिए टेंडर प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इनविटेशन बिड के तहत नीलामी जीतने वाले को यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच आईपीएल के 13वें सीजन का प्रायोजक नियुक्त किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि बीसीसीआई अध्यक्ष ने भी आईपीएल और वीवो के बीच का जो करार टूटा है उसको लेकर बड़ी बात कही है। सौरभ गांगुली का कहना है कि ये कोई मुसीबत नहीं है और बीसीसीआई काफी मजबूत है। चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर सौरभ गांगुली का क्या कुछ कहना है। सौरभ गांगुली ने कहा कि वो इससे वित्तीय संकट नहीं कहेंगे। सौरभ गांगुली ने कहा कि बीसीसीआई एक बहुत मजबूत नींव है। खेल खिलाड़ी और प्रशासकों ने इस खेल को मजबूत किया है। बीसीसीआई को ऐसे करार टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए बोर्ड पूरी तरह सक्षम है। पूर्व कप्तान ने कहा कि हम अपने दूसरे रास्ते खुले रखते हैं, जबकि समझदार ब्रांड इसे करते हैं। तो बाबा रामदेव का इस मामले में कूदना अपने आप में बड़ी खबर है। ये खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन अभी लगातार और तेजी से अपडेट हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।